वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में विद्यमान सभी जीव को जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी होती है वो जीवों को कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब इस फूड से इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि फूड से एनर्जी को प्राप्त करेंगे, इसके बीच की जो प्रोसेस होगी वो होगी डाइजेशन एंड फूड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि सभी जो जीव होंगे उनको जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी फूड से, और फूड से जो एनर्जी मिलेगी वो होगी डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, फूड के मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि डाइजेशन में क्या होगा, फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि चेंज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल हम बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा, इसके एलिमेंट्री कैनाल जो होगी, एलिमेंट्री कैनाल में क्या नहीं होगा, एलिमेंट्री कैनाल में फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं इनका क्या नहीं होगा, इनका अवशोषण नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, जो मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डाइजेशन के दौरान क्या होगा, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को फूड के माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे फूड स्टफ क्या है। फूड स्टफ ऐसे पदार्थ हैं जो बॉडी में पहुंचने के बाद, यानी कि अपने बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे और उसमें पहुंचने के बाद बॉडी को क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस टिश्यूज को रिपेयर करेंगे एंड ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, यानी कि फूड स्टफ क्या होगा, फूड स्टफ ऐसे कुछ पदार्थ होंगे जो बॉडी में पहुंचने के बाद बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी ग्रोथ करेंगे एंड उसके टिश्यूज जो होंगे उन टिश्यूज को रिपेयर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फूड कंपोनेंट क्या है। फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड कंपोनेंट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो पहला तो है ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट, ऑर्गेनिक बोलेंगे जिसे हम, और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीन नंबर अपना हो जाएगा इसमें फैट्स, और चार नंबर हो जाएगा अपना विटामिन्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन होंगे अपने, जैसे वाटर, एक तो है वाटर, और कुछ मिनरल्स जिनकी बॉडी को आवश्यकता होती है, बहुत कम या ज़्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, वो मिनरल्स हो जाएंगे एंड वाटर हो जाएगा। मिनरल्स जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए या फिर हमारे टिथ के लिए आवश्यक होता है, और फास्फोरस होता है, और मैग्नीशियम होता है, ये सब क्या हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।